इसके बाद स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन से संबंधित जो भी समीकरण को हल करने की विधियां थी हम लोग समझ लिए, उसका प्रैक्टिस भी कर लिए। अब हम लोग वार्तिक प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। वार्तिक प्रश्नों में स्टेटमेंट फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं जिनको हम लोग शर्त के अनुसार ये लीनियर इक्वेशन में बदलते हैं। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है स्टेटमेंट फॉर्म में। इस स्टेटमेंट फॉर्म वाले क्वेश्चन को हम लोग लीनियर इक्वेशन में आइए बदलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुनी थी। एक्चुअली लीनियर इक्वेशन का जो यूज है वो तमाम तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं और उसकी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाती है। अब इस तरह के जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारा आयु से संबंधित प्रश्न होता है। किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है, चाल दूरी से संबंधित, आयु से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित, त्रिभुज के क्षेत्रफल से, परिमाप से, मतलब जीवन के हर पहलू से संबंधित इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरली हम लोग जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो त्रिभुज, चतुर्भुज, उसके क्षेत्रफल से संबंधित, आयु से संबंधित, फिर जनरल क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। तो उसी तरह का कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर धीरे धीरे हम खुद समझ लेंगे कि इसको कैसे चेंज करेंगे। तो 2-4 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सबसे पहले इस आयु से संबंधित एक प्रश्न है, इसको देखा जाए कि हम इसको बीजगणित के रूप में कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे बदलते हैं। सवाल हमारा है, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुनी थी। वो 5 वर्ष पहले की कहानी है, जो जैकब की आयु थी बेटे की आयु की 7 गुनी थी। फिर कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में निरूपित कीजिए। तो इस सवाल को हमको बीजगणित में बदलना है और ग्राफीय रूप का मतलब होता है चित्र के फॉर्म में, चित्र के रूप में इसको बदलना है। तो एक तो बीजगणित में बदलना, बीजगणित का मतलब एक्स वाई टाइप हमको बदलना है समीकरण बना करके, और दूसरा हमको चित्र में बदलना है। तो आइए कैसे इसको बदलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो भी क्वेश्चन रहता है उसमें 2 शर्त दिया जाता है। पहली शर्त को पढ़ते हैं तो फिर एक इक्वेशन बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाते हैं 2 चरों में। फिर दूसरी शर्त को पढ़ते हैं, दूसरा समीकरण बनाते हैं। दोनों समीकरण को बना देने की क्रिया को ही हम लोग बीजगणितीय रूप में इसको बदलना करते हैं। तो बीजगणितीय रूप में बदलना का क्या मतलब, शर्त को पढ़ के एक्स वाई में एक लीनियर इक्वेशन बना देना। पहले शर्त को पढ़ते हैं एक इक्वेशन, दूसरे शर्त को पढ़ते हैं फिर एक्स वाई में दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन बन गया, बीजगणितीय फॉर्म में हमारा सवाल बदल गया। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को देखा जाए। हमने इसमें एक्चुअली आयु का 2 कंडीशन दिया है, इसी को हमको बीजगणितीय ग्राफी रूप में निरूपित करना है। तो हमने मान लिया है, ऐसे सवालों में धीरे धीरे आप जानेंगे, सबसे पहले वर्तमान आयु मानते हैं। जो भी आयु से संबंधित प्रश्न पूछे आते हैं तो इस समय करंट में आयु आप मानेंगे। करंट मतलब जो समय चल रहा है, वर्तमान काल में आयु मान लेते हैं, एक का एक्स दूसरे का वाई। तो देखिए हमने मान लिया है, माना जैकब तथा उसके बेटे की वर्तमान आयु, हमेशा वर्तमान शब्द पर आप ध्यान देंगे, वर्तमान आयु एक्स तथा वाई वर्ष है। तो एक्स है, पहले हमने जैकब का नाम लिया है, तो जैकब का आयु एक्स वर्ष है, उसके बाद उसके बेटे का नंबर है, उसके बेटे का वाई वर्ष है। अब आइए आयु से संबंधित प्रश्नों में थोड़ी सी बात मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए इस समय चल रहा सन 2020, क्या चल रहा 2020। अगर हम 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, दो लोग हैं, एक पिता और एक पुत्र, पिता और एक पुत्र दो लोग हैं। अगर हम पिता और पुत्र की बात करें तो 5 साल अगर हम पहले की बात करें, सन 2020 में मान लिया जाए कि ये 50 साल इनकी उम्र है, इनकी उम्र 10 साल है, पुत्र 10 साल का है, पिता 50 साल का है। अब हम 5 साल पहले की बात करते हैं, 5 साल पूर्व, तो 5 साल पूर्व इनकी आयु क्या होगी, तो इसका 45 साल होगा, आयु इसका 5 साल होगा, क्योंकि 5-5 दोनों में से घटा देंगे। अगर इस समय एक आदमी 50 साल का है, उसका बेटा 10 साल का है, तो 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले यानी 2015 में बात करें, 2020 इस समय चल रहा है,
2015 में दोनों की आयु क्या रही होगी, तो 55 साल घटा देंगे, 50 में से 5 घटाएंगे तो पिता का हो गया 45 साल, आप पुत्र जो है 5 साल का रहेगा, 10 में से 5 घटा देंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यानी आयु से संबंधित प्रश्न जब भी हम करते हैं तो जब 5 साल पहले की बात करेंगे तो दोनों आयु में से 55 घटाना पड़ेगा, आज अगर 5 साल बाद की बात करेंगे, मान लीजिए इसमें 2020 चल रहा है, हम पूछा 2025 में इनकी आयु बताइए, तो इसका 55 साल हो जाएगा और इसका 15 साल हो जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद पूछ रहे हैं, तो ये भी 10 साल का ही समय है, 5 साल बाद 15 साल का हो जाएगा, ये 50 साल का ही समय है, उसका पिता 5 साल बाद 55 साल का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे, यानी हम लोग जब पहले की बात करेंगे तो घटाते हैं और जब बाद की बात करते हैं तो जोड़ते हैं, ठीक वही कहानी ये सवाल की है। अब आते हैं अपने सवाल पर, तो कह रहा 5 साल पहले जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु भी 7 गुनी थी, ये पहला लाइन हम पूरा का पूरा ही लाइन उतार दिया, खाली थी नहीं लिखे, देखिए 5 वर्ष वाले जैकब की आयु उसके बेटे की आयु भी 7 गुनी थी छोड़ दिया, थी को हम लोग चेंज करते हैं बराबर में, बीच में बराबर का चिन्ह लगा दीजिए तो थी और हम बराबर में आ जाता है, और कहाँ लगाएंगे चूंकि आयु का सवाल है तो यहाँ से पढ़ते पढ़ते जहाँ आयु मिलेगा उसी बार लगा देंगे। तो 5 साल पहले जैकब की आयु थी, उसके बेटे की आयु भी 7 गुनी, तो अब देखिए 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो हम वर्तमान आयु माने हैं एक्स और वाई, अब यहाँ जैकब का हम एक्स माने हैं, तो 5 साल पहले अभी आपको बताया कि 5 साल पहले के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ता है, कितना घटाना पड़ेगा 5, तो 5 साल पहले जैकब की आयु को हमने एक्स माइनस 5 लिख दिया, क्योंकि इस समय एक्स है, इसी एक्स में से 5 घटेगा। अब बेटे के आयु, भले बेटे की आयु में 5 वर्ष पहले चर्चा नहीं है, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि अगर इस समय 100 लोग हों तो 5 साल पहले सबकी आयु 55 साल कम होगी, तो बेटे की आयु भी 5 साल कम होगी 5 साल पहले, तो इसमें से भी 5 घटा लिए, और इसकी 7 गुनी, 7 गुनी माने गुणा होता है, गुना या गुणा एक ही चीज़ है, तो गुनी माने गुणा कर देंगे, कितना गुणा 7 गुणा, 7 का गुणा, अब ये देखिए हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया, ये हम कोष्टक तोड़ दिए तो वही होगा, यहाँ 7 का गुणा है तो गुणा करेंगे 7 का वाई में, 7 वाई 7 का 5 में, 7 बजे 35 माइनस 35। अब जब भी कोई भी लीनियर इक्वेशन बनाना हो तो आप जानते भी हैं अक्षर को बाएं तरफ, अंक को दाएं तरफ, ये अक्षर है ये बाएं ऑलरेडी है, या दाहिनी तरफ 7 वाई है, इसको हम बाएं ले जाएंगे क्योंकि यही नियम है, कोई भी बीजगणितीय इक्वेशन जो हम लोग बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, दाएं तरफ अंकों को ले जाते हैं, अक्षर राशियों को, और बाएं तरफ अक्षर को, तो ये अक्षर जो यहाँ 7 वाई था ये बाएं चला गया, तो आप जानते हैं जब कोई चीज इधर सीधर जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, अगर ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस होता है इधर तो प्लस बन जाता है, एक्स माइनस 7 वाई, अब अंकों को इधर करेंगे तो देखिए ऋण 5 है ये दाएं आ गया तो प्लस 5 हो गया, पक्षांतर हो गया ऋण 5 का, आए 35 का चिन्ह माइनस था, यहाँ भी माइनस है, 35 के चिन्ह में परिवर्तन नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ भी दाएं है यहाँ भी दाएं है, तो 35 का पक्षांतर नहीं हुआ, तो जिसका पक्षांतर नहीं होता उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमारा हो गया। फिर एक्स माइनस 7 में हमने उतार दिया, आया देखिए डिफरेंट साइन है, भिन्न भिन्न चिन्ह है, तो भिन्न भिन्न चिन्ह को घटाते हैं, 35 में से 5 गया 30, अब कौन सा चिन्ह रहेगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 35 है, 35 का चिन्ह ऋण है, इसलिए यहाँ भी हमारा हो गया। तो हमने एक कंडीशन को बीजगणित में रूप में बदल दिया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा स्टेटमेंट, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु 7 गुनी हो जाएगी, तो यही चीज़ देखिए हम उतार दिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी, अब हो जाएगी कि छोड़ दिया है, यहाँ आयु के बाद बराबर लगा देंगे, हो जाएगी बराबर में चला गया, अब बराबर यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि आयु का सवाल है तो जहाँ आयु मिलता वहीं बराबर लगा देंगे। अब आइए इसको पढ़ते हैं, 5 वर्ष बाद जैकब के यहाँ बाद शब्द है, तो बाद के लिए यक्ष में 5 जोड़ेंगे, अब उसके बेटे की आयु की 3 गुनी, तो बेटे की आयु वाई माने, लेकिन वाई नहीं लिखना है, 5 वर्ष बाद की बात चले तो दोनों की आयु बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि बाप 5 साल बाद बड़ा हो जाएगा बेटा उतना ही उम्र का रहेगा, ऐसा नहीं होता, बाप बेटा भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो वाई में भी 5 जोड़ेंगे, इसका 3 गुना माने 3 से गुणा, गुणा माने गुणा, चाहे गुनी माने गुणा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 3 का वाई में 3 वाई, 3 का 5 में 3 का 15, फिर यहाँ पहुँचे लीनियर इक्वेशन हमको मिला, लेकिन क्या करेंगे अक्षर को बाएं अंकों को दाएं,
ये आया बाएं तो माइनस हो गया, ये चला गया दाएं तो भी माइनस हो गया, क्योंकि ये प्लस था यहाँ जाएगा माइनस। 15 के चिन्ह में कोई परिवर्तन, यहाँ भी प्लस क्यों, क्योंकि वो राइट साइड यहाँ भी है, राइट हैंड साइड यहाँ भी है, यानी 15 का पक्षांतर नहीं हुआ। तो जिसका पक्षांतर होता है उसी का चिन्ह बदलता, आप ध्यान दीजिए, चाहे बाएँ से दाएँ ले जाइए चाहे दाएँ से बाएँ ले जाइए। अभी एक्स माइनस 3y हो गया, इन दोनों का साइन डिफरेंट है, एक प्लस एक माइनस घटेगा, किसका चिन्ह रहेगा बड़ी संख्या का, 15 बड़ा है तो 15 का चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह हो गया प्लस। अब ये हो गया हमारा बीजगणित में रूपांतरण, जो हमारा इस स्थित को बीजगणित में बदलिए, तो हम लिखेंगे बीजगणित में इस प्रकार, बीजगणित बीजगणितीय रूप में बदल गया, इस प्रकार बीजगणितीय रूप में बदल गया, बीजगणितीय रूप में बदल गया। अब आइए दूसरा रूप, अभी हमको ग्राफी रूप में भी निरूपित करना, बदलना। अब हम एडिंग डाल दिए, आलेखी विधि द्वारा निरूपण, यानी आलेखी विधि, ग्राफी विधि को ही आलेखी विधि कहते हैं, तो चाहे ग्राफी विधि कहिए, ग्राफी इंग्लिश शब्द या आलेखी हिंदी शब्द, आलेखी विधि में चित्र बनाना है, तो देखिए चित्र कैसे बनता है, समझिए इसको। सबसे पहले हम लोग पहले इक्वेशन को लेंगे जो यहाँ आया हुआ है, x माइनस 7y - 30, इसमें x को बाएं रखते हैं, बाकी को इधर, आप चाहें तो y को भी बाएं रख सकते हैं, आपकी मर्जी, चाहे x को बाएं रखिए चाहे y को बाएं रखिए। चूंकि x अकेला था इसलिए x को हम यहाँ रख दिए, इसको इधर ले गए बराबर के दाहिने, देखिए बराबर के दाहिने गया थे, माइनस का प्लस हो गया क्योंकि इसका पक्षांतर हो गया, बाएं था दाएं चला गया। अब यहाँ से हम लोग एक्स वाई का मान निकालते हैं, दो मान कैसे निकालेंगे, अपने मन से इसमें मान भरते हैं वाई का, जो मर्जी का सो भरिए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि छोटी वैल्यू भरते हैं, देखिए यहाँ हम भर दिए वाई का मान 4, अपने मन से कुछ भी भर सकते हैं, ऐसा भरते हैं कि इसको हल करने पर छोटा संख्या मिले, तो वाई को अगर 4 भर दें तो 7 में 4 गुणा होगा 28 होगा, ये आए माइनस 30, तो 28 और माइनस 30 एक प्लस है एक माइनस है, तो घटाएंगे बड़े में से छोटे को, 30 में से 28 घटा 2 आया, चिन्ह कौन सा लेंगे बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 30 है तो देखिए माइनस 2, यस का मान माइनस 2 मिलेगा। अगर वाई को हम 4 भरते हैं तो यस का मान माइनस 2 मिलेगा, तो देखिए हम वाई को 4 लिख दिया, यस का मान माइनस 2 लिख दिया। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ वाई को हम 5 भर रहे हैं, तो जब यहाँ 5 भरेंगे तो 7 में 5 गुणा होगा, 7 5 35 35 प्लस है 30 माइनस है, तो 35 में 30 घटेगा 5, तो यस का मान 5 आएगा, तो वाई का मान 5 पर यस का मान 5। चलिए ये हमने एक साड़ी तैयार कर लिया, अब हम दूसरे इक्वेशन को लेंगे और इससे भी एक साड़ी बनाएंगे, देखिए लिखे हैं पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा एक्स माइनस 3y = 10, फिर एक्स को हमने बराबर कर दिया तो 3y दाहिने चला गया, ये माइनस था प्लस हो गया, 10 में कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि यहाँ भी दाहिने है यहाँ भी दाहिने है, तो 10 का चिन्ह नहीं बदलेगा। अब फिर मान भरेंगे, ऐसा मान भरें कि x का मान आसानी से छोटा मान निकले, तो हम y को यहाँ -2 भरेंगे, -2 में 3 का गुणा होगा तो -6 हो जाएगा, -6 + 10 मिलके -4 होगा, देखिए 4 लिख दिया, इसका मान ये जो मान आएगा वो x का मान आएगा, तो x का मान 4 आएगा, तो x वाले खाने में 4 लेंगे। फिर y को हम -3 यहाँ भरे हैं, तो -3 में 3 का गुणा होगा तो -9, यहाँ से -9 - 10 -9 - 10 का मान -1 आएगा, ये जो मान आएगा वो +1 आएगा, किसका मान है x का, तो x का मान -1 लिख दिए, x का मान -1, y का मान -3, ये हो गया हमारा साड़ी। अगर साड़ी बन जाती है तो इसको हम लोग ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ मार्केट में मिलता है, 5 रुपये की कॉपी आती है, उसको आप खरीद लेंगे और आप लोग ग्राफ पेपर बनाएंगे। देखिए ग्राफ पेपर बनाने का क्या तरीका है, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बढ़िया से अच्छे समझिए। ग्राफ पेपर बनाने में हम लोग एक्सिस खींच लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैं खींच के आपको बता रहा हूँ, इसमें हमारा वाई एक्सिस है, एक लाइन खींच लेते हैं और ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स। अब इस पर बराबर बराबर हम लोग ऐसे खाना बना लेते हैं, एक बराबर बराबर, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 5 6 7, इस पर भी इतना ही बराबर, 3 4 5 6, इस पर भी
एक दो तीन चार पाँच छः, इस पर भी एक दो तीन चार पाँच छः। चलिए अब हम यहाँ इसको सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। इसको मान ले रहा है पॉइंट ए, इससे जो पॉइंट मिलेगा वो आई मिलेगा, इससे जो मिलेगा वो बी मिलेगा, या बी वाला है। तो पहले हम ए को प्लॉट करते हैं। ए का मान है -2 4, तो पहले एक्स पर -2 चलते हैं। ए एक्स को ए एक्स वाला डायरेक्शन प्लस माना जाता है, ए एक्स वाला डायरेक्शन माइनस माना जाता है, और वाई वाला डायरेक्शन ऊपर को प्लस मानते हैं, नीचे को माइनस मानते हैं। तो यक्स एक धन होता है, ऋण होता है, दाहिने धन बाएं ऋण, जानते भी आप लोग। वाई ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो देखिए यक्स को -2 पर चलना है, यक्स चलना -2 पर, वाई पर धन चार, तो यक्स पर -2 हम इस पर चलेंगे, इधर नहीं जाएंगे, यही यक्स वाला है, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी। हम इधर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यक्स का मान माइनस है, तो -2 पर हम यहाँ आएंगे, बिंदी यहाँ लगा देते हैं। वाई पर चार चलना है, धन है तो धन है तो ऊपर चलेंगे, चार एक दो तीन चार यहाँ लगा देते हैं। अब इसको यहाँ ऐसे बढ़ाते हैं, इसको यहाँ बढ़ाते हैं, सीधा सीधा जहाँ दोनों काटते हैं इसी को लिख देंगे ए, यही ये, और इसको लिखेंगे -2 कामा 4, तो ए का काम हो गया। अब हम जा रहे हैं बी का काम करने। एक्स पर -5 वाई पर -5, दोनों पर -5 चल रहा, तो यक्स पर -5 आ गिना, एक दो तीन चार पाँच, ये -5 हो गया, वाई पर -5, एक दो तीन चार पाँच आ गए। फिर हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे ऐसे, और ऐसे कि कहीं कहीं काटेगा, जहाँ काटेगा उसी को लिख देंगे 5 कामा 5, इसको लिख देते हैं बी। तो ए और बी को हमने प्लाट कर दिया। जब प्लाट कर देते हैं तो फिर इसको इंच पट्टी से मिला देंगे ए और बी को। अब भाई सब लाइन मिटा देते हैं, सब लाइन की जरूरत है, खाली बिंदु को प्लाट दिखा करके बाकी को मिटा देते हैं। अब इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे सीधा, तो ये सीधा मिल गया, इसको अब इंच पट्टी से मिलाएंगे तो सीधा होगा, तिरछा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, तो सीधा होना है। अब इसको लिख देंगे कौन सा इक्वेशन था, एक्स माइनस चार वाई बराबर -30, एक्स माइनस सात वाई इक्वल टू -30, ये इसका आलेखी निरूपण हो गया, इस वाले का, पहले वाले इक्वेशन का। अब हम दूसरे वाले इक्वेशन का आलेखी निरूपण करने जा रहे हैं। इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं सी है, इसको मान ले रहे हैं डी। चलिए तो सी में एक्स पर -4 चल रहा है, वाई पर -2 चल रहा है, तो एक्स पर -4 हम यहाँ चलेंगे, एक दो तीन चार यहाँ आ गए, और वाई पर हमको -2 चलना है तो नीचे जाएंगे, क्योंकि वाई माइनस नीचे है, तो एक दो यहाँ गए। फिर इसको ऐसे बढ़ा देंगे या इसको ऐसे बढ़ा देंगे, तो एक पॉइंट हमको मिल गया सी, और इसको लिख देंगे कितना कितना है, 4 -2। पहले एक्स को लिखते हैं बाद में वाई को लिखते हैं, ध्यान देना, पहले एक्स को लिखते हैं बाद में वाई को, पहले ना वाई को लिख देंगे, पहले -2 नहीं होगा, पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स आता बाद में वाई आता है, तो सी हमने लिख दिया। अब एक बाकी मिटा दे रहे हैं। अब हम डी को लिखने जा रहे हैं, तो डी को क्या है, एक्स पर -1 वाई पर -3, तो एक्स पर -1 यहाँ होगा धन की तरफ, वाई पर -3 यहाँ होगा, एक दो तीन ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर तो धन वाला है, -3 चलना है, तो 3। फिर इसको ऐसे बढ़ा देंगे, इसको ऐसे बढ़ा देंगे, तो दोनों के लिए पॉइंट मिल गया, इसको लिख देंगे डी पॉइंट, और क्या कितना कितना है, 1 -3 है। फिर इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे सीधा, एकदम सीधा, तो ये हमारा आलेखी निरूपण हो गया। इसको लिख देंगे कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन है एक्स -3 y = 10, ये हो गया आलेखी निरूपण। तो आलेखी निरूपण में क्या करते हैं, जो इक्वेशन बन जाता है उसके माध्यम से एक सारणी बनाते हैं। सारणी कैसे बनी, तो यहाँ से एक्स को रहने देंगे, वाई को उधर ले गए, अब इसमें मान भरेंगे, आपकी मर्जी जो भर दीजिए, जो भरेंगे कुछ भी भर सकते हैं। यहाँ हमने वाई को 4 भर दिया तो 28 हो गया, 30 तो -2 आ गया, वाई को 5 भर दिया 7 बजे 35 बजे दिख गया, इसका मान 5 आ गया, तो ये संख्या मिले अपने मन से भरते हैं, 2 3 4 5 ऐसा भरें जिससे आसानी से वो हल हो जाए, यही काम यहाँ भी किया गया है। फिर ये ग्राफ बन गया, ये हमारा क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। हमारा सवाल कह रहा था कि बीजगणित में ग्राफिक रूपों में निरूपित कीजिए, तो इसको हमने निरूपित कर लिया। एक सवाल मैं आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, दूसरा सवाल ही बता रहा हूँ, दो सवाल से आप पूरी तरह से मेरी बात को समझ जाएंगे। तो आइए समझते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है, अरुणा कोई लड़की है, इसके पास
रुपया एक और रुपया पांच के सिक्के हैं, मतलब उसके जेब में या तो एक रुपया का सिक्का मिलेगा या तो 5 रुपये का, 8 अन्नी या 10 रुपया नहीं मिलेगा आपको। दो ही प्रकार का सिक्का, या तो 1 रुपया वाला है या तो 5 रुपया वाला है। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 55 हो और कुल 55 छुआ, जब वो ऐसे जेब में से बाहर निकालेंगे गिनेंगे तो 55 छुआ है। अब ये नहीं बताया कि 1 रुपये वाला कैट हो या 5 रुपये वाला कैट हो, बस ये जानना कि कुल मिला के 55 है। अब कुल मिला के 55 कैसे हो सकता है? बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? हो सकता है 1 रुपये वाला 50 हो तो 50 रुपये हो जाएगा, 5 रुपये वाला सिक्का एक कैट हो तब वो 5 रुपये के बराबर हो जाएगा तो 55 रुपया हो गया। हो सकता है कि 1 रुपये वाला सिक्का 40 हो और 5 रुपये वाला सिक्का 3 हो, तभी 15 रुपये बन जाएगा, तभी 55 बनेगा। तो 55 बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सिक्कों की कुल संख्या उसके पास 55 होनी है, नहीं हमने गलत बता दिया आपको, 55 होनी, यानी कुल सिक्के उसके पास 55 है। तो 55 सिक्के कैसे हो सकते हैं? 5 रुपया का अगर एक है तो 1 रुपया 50 होगा, 1 रुपया वाला 50 होगा तो 55 सिक्का हो जाएगा। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, सोचना कठिन काम है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस समस्या को, यह एक समस्या अगर आप बैठ के सोचेंगे तो टाइम लगेगा कि 55 सिक्का होना है। आई ची और कंडीशन दिया, कुल पैसा 75 रुपया होना है, मतलब जितना उसके जेब में है वो कुल मिला के 75 रुपया भी है, सिक्का 55 है, आप कुल मिला के 75 रुपया आएगा। तो पूछा जाता है कितने सिक्के 1 रुपये वाले हैं, कितने सिक्के 5 रुपये वाले, कुल मिला के 75 रुपया होना है। तो हम लोग बहुत सोचने पर नहीं जाते हैं, सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे, हम लोग तुरंत अपने नियम कानून पर आ जाते हैं। नियम कानून क्या है? नियम कानून ये है कि हम लोग मान लेते हैं कि 1 रुपये वाला सिक्का एक्स और 5 रुपये वाला सिक्का वाई होगा कुछ, तो हम लोग मान लेंगे, मान लीजिए उसके जेब में 1 रुपये के एक्स सिक्के हैं, एक्स कोई संख्या हो सकती है, 5 रुपये के वाई सिक्के हैं। अब आते हैं अपने शर्त पर, कुल सिक्कों की संख्या 55 है, तो लिखे हैं प्रथम शर्त अनुसार, पहला कंडीशन क्या प्रश्न का, सिक्कों की कुल संख्या 55, 55 से ज़्यादा सिक्के नहीं, तो एक्स वाई मिला करके 55 होगा, क्योंकि 1 रुपये का एक्स माने 10, 20, 50 हो सकता है, वाई और 5 रुपये का कुछ वाई, तो कुल मिला 55 है। तो 1 रुपये चाहे जितना हो, 5 रुपये चाहे जितना, लेकिन दोनों मिला के 55 से अधिक नहीं होना है, दोनों मिला के 55 लिख दिया, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, कुल धनराशि यही सब मिला करके 75 रुपया होना है, तो कुल धनराशि बराबर 75 रुपया। अब कुल धनराशि कैसे निकालेंगे? तो धनराशि निकालने का एक तरीका आप देखिए, आपके जेब में मान लीजिए आपका जेब है और इसमें 1 रुपया वाला 10 सिक्का है, आप 5 है, तो कुल आपके पास कितना पैसा है? तो क्या करेंगे, 1 में 10 का गुणा करेंगे, आप 5 में 2 का गुणा करेंगे, तो 10 + 5 × 10 यानी आपके पास 20 रुपया है। कैसे जाएंगे 20 रुपया है? क्योंकि 1 रुपये का 10 सिक्का है तो 10 रुपया हो गया, आप 5 रुपये वाला सिक्का 2 है, 55 रुपया का 2 है, वो भी 10 हो गया, 10 10 20, यानी पूरी धनराशि कैसे निकालते हैं, 1 रुपये का जितना रहेगा उसमें 1 गुणा करेंगे, आप 5 रुपये का जितना रहेगा उसमें 5 से गुणा करेंगे, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब आइए, अब 1 रुपये का हमारे पास एक सिक्का है तो 1 में 1 का गुणा कर दिए, अब 5 रुपये का सिक्का वाई है तो 5 में 2 का गुणा कर दिए, अब कुल मिला के 75 होना है, तो ये हो गया एक्स गुड़े डी एक्स, अब 5 × 2 = 5, 5 × 2 = 75। तो बड़ी आसानी से हमने लीनियर इक्वेशन बना लिया। अब सवाल को सॉल्व करेंगे, बड़ी इजली हमको उत्तर मिल जाएगा। तो हमारी ये समस्या को समाधान करने का तरीका, यानी लीनियर इक्वेशन को हम लोग अब तक पढ़े, तो पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या, जो तमाम सारी कठिनाइयाँ होती हैं उसको समीकरण बना करके, बड़े बड़े सवालों को, कठिन कठिन सवालों को हम लोग 2 समीकरण बना के और बड़ी आसानी से उसको हल करके उसका उत्तर जान लेते हैं बहुत कम टाइम में, उस तरफ बैठ के सोचेंगे तो टाइम लगेगा। तो जब 2 समीकरण बन गया तो ये देखिए बीजगणित का काम हो गया, लिखा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफिक रूप में निरूपित कीजिए, तो बीजगणितीय रूप में हमने निरूपित कर दिया, यही हमारा काम खत्म हो गया। अब हम बता रहे हैं आपको ग्राफिक रूप, जिसको आलेखी विधि भी कहते हैं, आलेखी विधि अभी आपको हमने समझाया है कि पहले एक इक्वेशन लेंगे x + y = 55, देखिए हमने समीकरण एक ले लिया,
यहाँ से x का मान निकालेंगे, y उधर चला गया 55 माइनस वाई। अब एक साड़ी बनाते हैं, साड़ी में इसे x y एक खाली खाली रखेंगे। अब क्या रखा है तो वो आपकी मर्जी पर, जो मन के असू रख दिया। यहाँ हमने क्या किया, y को 44 रख दिया अपने मन से, तो यहाँ 44 रखेंगे तो 55 में 44 घटा 11, तो देखिए x का मान 11 आ गया। जो आएगा उत्तर वही x का मान आएगा, क्योंकि x बराबर इतना है, तो ये वैल्यू किसका देगा, x का देगा। तो यहाँ हमने 44 भरा। अब आप पूछा 44 क्यों भरे, कुछ भी भर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जो मन करे वो भर दीजिए। हम 44 इसलिए भरे हैं कि जो भी वैल्यू आएगी सब 11 के पार आएगी। देखिए 11 का 11, 11 का 22, 11 से 44, 11 से 33, ताकि सब 11 की गुणा खा जाए। अभी दूसरा कुछ भर देंगे, मान लीजिए वाई को एक भर दें, तो अब ये 54 हो जाएगा, 55 घटेगा 54, 54 जो है 11 का पार नहीं। हम कुछ ऐसी संख्या लाते हैं कि सारी संख्या किसी एक संख्या से कट जाए, तो हमको इसमें 11 ज़्यादा उचित लगा, क्योंकि 11 सब कटेंगे, 55 भी कटेगा, 22 भी कटेगा, 44 भी कटेगा, 11 खुद कटेगा, 33 कटेगा। तो हम कुछ ऐसा यहाँ सोचे हैं कि ये जो घट के आ रहा है वो 11 का पहाड़ आ जाए। 11 दुना 22, 11 दिया 33, 11 से 44, 11 पहले 55, 11 छः 40, 11 77, इस तरह से आ जाए। तो ये काम हो गया। फिर हमने क्या किया, वाई को 33 भर दिया। यहाँ 33 भरेंगे तो 55 में 33 घटेगा तो 22 आएगा, वो भी कटेगा 11 से। चलिए इसको यहाँ हम छोड़ दिया। अब दूसरे समीकरण को लिया, दूसरा समीकरण 75। दूसरे समीकरण को लिया गया, फिर अब इसमें क्या भरा, तो इसमें हमने क्या किया, x प्लस 5y बराबर 75, x बराबर 75 माइनस 5y। तो इसमें हमने क्या किया कि हम चाहे सब चाह रहे हैं कि 25 के पहाड़े मिल जाए, 25 से कम, 25 25 गुना 50, 25 तीन 75, 25 चौकी 100। तो हम कुछ ऐसा करेंगे सब 25 की कहानी चल रहा है। तो देखिए हमने y पहले इसमें 25 भरा, तो जब 25 भरेंगे तो 5 में 25 का गुणा होगा तो 125 आएगा। तो 125 माइनस अब 75 प्लस, 125 में से 75 घटा तो 50 आया, और माइनस आएगा क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या 125 है। फिर हमने y को शून्य भर दिया, तो y को शून्य भरेंगे 5 में शून्य का गुणा होगा शून्य हो गया, तो इसका मान खाली 75 में शून्य घटाएंगे 75 होगा, तो इसका मान 75 आएगा। अब ये सब चीज़ें 25 से करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब इसको देखिए, जब इतना काम हो जाता है तो हम लोग x एक्सिस बनाते हैं, y एक्सिस बनाते हैं। अब जब x एक्सिस बनाते हैं तो इस पर बराबर बराबर खाना बनाते हैं ऐसे चारों तरफ, फिर ऊपर भी नीचे भी, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब ये खाने को क्या माना है, अगर बड़ी बड़ी संख्या आती है तो हम ये खाने को 10-10 भी मान सकते हैं, 20-20 भी मान, लेकिन हम 11-11 माने, ये खाने को 11 माने, तो दूसरा खाना 22 होगा, तीसरा खाना 33 होगा, तो 11 का पहाड़ा पड़ते जाएंगे, 11 कम 11, 11 गुना 22, 11 तीन 33, 11 ये भी 11 है, ये 22 इधर ऋण 11 होगा, ऋण 11, ऋण 22, ऋण 33, ऋण 44, ऋण 55 ऊपर, 11 गुना 22 होगा, 33 होगा, 44 होगा, 55 नीचे ऋण 11, ऋण 22, इस तरीके ऐसे चलेगा, 11 मान लिया। अब आइए, अब पहले हम प्लॉट करते हैं, इस वाले को हम ए मानते हैं, 11 और 44 वाले को, तो ये इस पर 11 चलेंगे यहाँ, और वाई पर हमको 44 चलना है, तो 1, 2, 3, 4 वाई पर हमको 44 चलना है, एक्स पर 11 चलना है, वाई पर 44 चलना है। चलिए एक्स पर 11, यहाँ वाई पर 44 चलना है, 44 का मतलब हम कहीं यहाँ आए हैं। 1, 2 फिर से फिगर बना देते हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे, एक बार और फिगर बना देते हैं ताकि आप तो दिमाग में बात भर कर जाएगी, ध्यान से समझिए इसको। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ऊपर को प्लस मानते हैं, नीचे को माइनस मानते हैं, और बीचों बीच में हो गया एक्स एक्सिस, इसको माइनस मानते हैं और इसको प्लस मानते हैं। अब इस पर बराबर बराबर ऐसे हम खाना बना देंगे, और एक खाने को 11 मानेंगे। चलिए एक खाने को 11 मान रहा है, तो x पर 11 चलेंगे यहाँ आए, और y 44 चलना है, तो 1, 2, 3, 4 नीचे क्यों नहीं चलना, अगर माइनस रहा था तब नीचे चलते, प्लस है इसलिए ऊपर चलेंगे, प्लस होने के नाते इसको ऊपर चलेंगे। तो 44 यहाँ मिलेगा, क्योंकि 11 गुना 22, 11 तीन 33, 11 24, इसके सामने ऐसे बढ़ेंगे, इसके सामने ऐसे बढ़ेंगे, फिर ये दोनों जहाँ कटिंग करेंगे इसी को मानेंगे ए,
तो ये हमने यहाँ लिख दिया, क्या लिखेंगे, 11, 44 पहले x का मान बाद में y का मान। चलिए एक का काम हो गया, अब x पर 22 चलना, 22 का मतलब 11 ये 22 यहाँ आ गया, और y 35 चलना तो 11 2 22 कहते हैं इसके सामने, तो इसको आगे बढ़ाना, इसको आगे बढ़ाना, तो ये पॉइंट हमको मिला, इसको लिखेंगे b पॉइंट कितना है, पहले x का मान फिर y का मान, 22, 33। अब इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा इन दोनों रेखाओं को इस पट्टी लगा कैसे मिलाएंगे सीधे, ऐसे हमारा मिल गया। इसका इक्वेशन लिखना किसका है, तो यह x प्लस वाई बराबर 55 का है, ये ऐसे लिख देते हैं। अब आइए हम इसकी बात करते हैं दूसरा वाला, कि x पर हमको -50 चलना है, तो x पर देखिए माइनस चलना है तो हम इधर चलेंगे, 50 के लिए 11 है 11 2 22 करते हैं तो 11 44 44 के आगे 6 ये 55 है, यानी यहाँ कहीं 50 होगा। और वाई पर 25 चलना है तो 11 2 22 आई 11 33 25 का यहाँ होगा, क्योंकि 22 और 33 के बीच में 25 आता है। तो अब इसको ऐसे बढ़ा लेंगे, ऐसे इसको ऐसे बढ़ा लेंगे, एक पॉइंट हमको मिल गया, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, सी पॉइंट मिल गया, लिख दे रहे हैं इसको -50, 25 सी पॉइंट। अब आइए वाई पर चलना ही नहीं है, एक्स पर 75 चलना है प्लस, तो इधर 11 22 11 33 11 55 11 76 66 11 77 11 88 तो 77 से पहले 75 1 2 3 4 5 6 7 ये 77 से 75 यहाँ कहीं होगा, थोड़ा सा पहले 66 है, तो 66 से ज़्यादा दूर 75 है, 77 से 2 पॉइंट कम है जिसके नज़दीक होगा। तो अब ये हो गया हमारा यक्स का मान, पर वाई पर 0 चलना, वाई पर चलना नहीं करेंगे, तो यही पॉइंट है हमारा हो जाएगा। अब इसको और उसको मिला देंगे, दोनों को इंच पट्टी लगा करके इसको मिला देंगे, तो ये हमारी रेखा होगी, इसको आगे बढ़ा करके और इसको यहाँ लिख देंगे, कौन सी रेखा थी, यक्स प्लस 5 y बराबर 75। तो ये हो गया ग्राफीय निरूपण, हम लोग एक्सिस खींचते हैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और फिर दो समीकरण है तो दो रेखा खींच लेंगे, ये हो गया ग्राफीय निरूपण। तो हमने आपको वार्तिक प्रश्नों को हम बीजगणितीय रूप में कैसे बदलेंगे और ग्राफीय रूप में कैसे बदलेंगे, ये पूरी कहानी आपको डिस्कस कर दिया है। अब इस पर मैं कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसको आप घर पर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, फिर नहीं समझ में आता है तो अगेन एक बार और हमसे पूछेंगे, उसके बाद आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपका होमवर्क क्वेश्चन है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ होमवर्क के क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लें। प्रश्न है, एक आदमी के पास रुपया 1 तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, एक आदमी के पास रुपया 1 तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, जिसे मिलाकर कुल धनराशि 100 रुपया है, लिख देते हैं 100 रुपया है, कुल 100 रुपया है। यदि सभी 50 पैसे के सिक्कों तथा सभी 1 रुपया सिक्कों की कीमत समान है, तथा
1 रुपया के सिक्कों सिक्कों की कीमत समान है, की कीमत समान है, तो एक तथा 50 पैसे को सिक्कों की संख्या कहती है। तो रुपया एक तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या संख्या बताइए। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।